स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम जैसे आरटी क्लास 7 पर्यावरण और हम भूगोल के अध्याय 4 वायुमंडल के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न है और उसके उत्तर क्या होंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है व्यापारिक पवन खाली स्थान पवन का उदाहरण है। इसका उत्तर है स्थायी। व्यापारिक पवन स्थायी पवन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचला स्तर खाली स्थान कहलाता है। इसका उत्तर है क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचला स्तर क्षोभ मंडल कहलाता है। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर से खाली स्थान मापा जाता है। इसका उत्तर है वायुमंडलीय दाब। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखीय प्रदेश में खाली स्थान वर्षा होती है। इसका उत्तर है संवहनीय वर्षा। भूमध्य रेखीय प्रदेश में संवहनीय वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य से आने वाली ऊर्जा खाली स्थान कहलाती है। इसका उत्तर है आतपन। सूर्य से आने वाली ऊर्जा आतपन कहलाती है। अगला प्रश्न है, सही उत्तर लिखें, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत वायुमंडल में सबसे अधिक है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन। इसका उत्तर है नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन का प्रतिशत है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के किस परत में मौजूद वायु से हम सांस लेते हैं? मध्यमंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल। इसका उत्तर है क्षोभ मंडल। वायुमंडल के क्षोभ मंडल के परत में मौजूद वायु में हम सांस लेते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए उत्तम मानी जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बहिर्मंडल। इसका उत्तर है समताप मंडल। समताप मंडल को हवाई जहाज उड़ाने के लिए उत्तम मानी गई है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायु दाब में किस तरह का परिवर्तन होता है? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, अति मात्रा में घटना। इसका उत्तर है घटता है। वायुमंडल की परतों में जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो वायु दाब घटता है। अगला प्रश्न है, किसी भी समय वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? आर्द्रता, बादल, हिम, वर्षा। इसका उत्तर है आर्द्रता। किसी भी समय वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में दीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है, वायुमंडल किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, पृथ्वी के चारों ओर कई 100 किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का अधिकतर भाग किन गैसों से बना है? इसका उत्तर है, वायुमंडल का अधिकतर भाग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है? इसका उत्तर है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है। अगला प्रश्न है, मौसम एवं जलवायु में क्या अंतर है? इसका उत्तर है, वायुमंडल में प्रत्येक घंटे तथा प्रतिदिन दिन प्रतिदिन की स्थिति मौसम कहलाती है, जबकि दीर्घ काल में किसी स्थान का मौसम औसत मौसम उस स्थान का वायुमंडल कहलाता है। अगला प्रश्न है, मानसूनी पवन क्या है? इसका उत्तर है, जिन हवाओं की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है उन्हें मौसमी या मानसूनी पवन कहते हैं। अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है, वर्षा कितने प्रकार की होती है उनका उल्लेख करें। इसका उत्तर है, वर्षा 3 प्रकार की होती है जो निम्नलिखित है। पहला, संवहनीय वर्षा। सूर्य ताप से जब भूतल गर्म हो जाता है और उस स्थान की गर्म हवा ऊपर उठने लगती है तो संवहनी धाराओं का निर्माण होती है। हवा ऊपर जाकर ठंडी होती है तथा उसमें उपस्थित जलवाष्प का संघनन होता है। इससे जो वर्षा होती है उसे संवहनी वर्षा कहते हैं। दूसरा है पर्वतीय वर्षा। जब हवा अपने साथ नमी लिए चलती है और उसके सामने पर्वत या पहाड़ी आ जाती है तब उस स्थान पर पर्वतीय वर्षा होती है। नमयुक्त वायु पर्वतीय ढालों से टकराकर ऊपर उठती है तथा ठंडी होकर वर्षा कराती है। और तीसरा है चक्रवाती वर्षा। जब गर्म और आर्द्र हवा निम्न वायुदाब केंद्र के चारों ओर चक्कर काटते हुए ऊपर उठती है तो ठंडी होकर संघनित होती है और वर्षा कराती है। यह वर्षा चक्रवाती वर्षा कहलाती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के विभिन्न परतों का नाम लिखें। इसका उत्तर है, वायुमंडल के विभिन्न परत क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल है। यहाँ ताप मंडल को आयन मंडल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चक्रवात क्या है? बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का नाम लिखें। इसका उत्तर है, चक्रवात एक विशिष्ट मौसमी परिस्थिति है। जब किसी क्षेत्र विशेष का तापमान अधिक होने से निम्न वायुदाब की स्थिति होती है
तब चारों ओर की वायु निम्न वायु दाब की ओर प्रवाहित होने लगती है। इस स्थिति को चक्रवात कहते हैं। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले प्रमुख चक्रवात तितली, हुदहुद, गाजा आदि हैं। अगला प्रश्न है अंतर बताएं, जिसमें पहला प्रश्न है क्षोभ मंडल और संताप मंडल। इसका उत्तर है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। संताप मंडल, संताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग है। क्षोभ मंडल 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। संताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर तक है। क्षोभ मंडल में धरातल से ऊपर जाने के क्रम में प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान कम होता जाता है। संताप मंडल में तापमान लगभग एक समान होता है। मौसम की प्रायः सभी घटनाएं कोहरा, बादल, ओला, तुषार, आंधी, तूफान, मेघ आदि क्षोभ मंडल के भाग में ही घटित होता है। इस मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती है। क्षोभ मंडल में मौजूद वायु में हम सांस लेते हैं। समताप मंडल हवाई जहाज उड़ाने के लिए उत्तम माना गया है। अगला प्रश्न मौसम और जलवायु। इसका उत्तर है मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे अथवा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है, जबकि जलवायु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु कहलाता है। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है। जलवायु लंबे समय के लिए एक जैसा रहता है। मौसम के अध्ययन को मेट्रियोलॉजी कहते हैं। जलवायु के अध्ययन को क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।